चेंज किया है, मतलब अभी तो नहीं, 1 आवर हो गए ऑलमोस्ट। सो आई थॉट कि मैं ब्लॉग करती हूँ, और ब्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये था कि मुझे 2 दिन पहले मैंने ये होम सेंटर से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो 2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई है। सो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में अनबॉक्स करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या मंगाया। क्योंकि अभी क्या है, ये लॉकडाउन की वजह से ना मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ जो शॉपिंग होती है ना, छोटी मोटी घर की जो शॉपिंग होती है उसको मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बेटा आराम से देखना, हाथ में ना लगे। सो मैं सबसे ज़्यादा वो ही मिस कर रही हूँ कि जो शॉपिंग होती है घर के लिए छोटा मोटा सामान लेना। तो अमेजोन से भी कुछ चीज़ें मंगवाई है मैंने घर के लिए स्पेसिफिकली, और ये होम सेंटर से भी मंगवाई है घर के लिए। आपको ओपन करके दिखा दी, बट आपको चोट लग जाएगी सामान ओपन करने में। एक्चुअली मैंने जब ऑफर ऑर्डर किया तो मैंने सारी वही चीज़ें ऑर्डर करी जो अभी ऑलरेडी सेल पर थी, और मैं वेट कर रही हूँ कि फिर कोई बड़ी सेल आए होम सेंटर में तो मैं थोड़ी चीज़ें और मंगवाऊंगी। क्योंकि अब क्या फेस्टिव सीजन आ रहा है, तो फेस्टिवल में सबसे अच्छा मुझे फेस्टिवल टाइम में अगर मैं मॉल जाती तो मुझे सबसे अच्छा होम सेंटर, होम टाउन, ये सब जाना लगता। तो बहुत अच्छा कलेक्शन होम डेकोर के लिए बाबू आपको लग जाएगी। मम्मा ओपन कर देगी और इसमें सब 5 की चीजें दे दी, गलती से ना इतना नहीं चाहिए। ओके, सो 2 डब्बे हैं। तो पहला डब्बा मैंने ओपन कर लिया है। सो सबसे ऊपर है ये 2 प्लेट्स, मैंने प्लेन वाइट प्लेट्स मंगवाई है, और ये मोस्टली पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए मंगवाई है। हम लोग तो स्टील के बर्तनों में ही खाते हैं और वही सबसे अच्छा लगता है। ये मैंने 2 प्लेट्स मंगवाई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, रेट वाइज ये रीजनेबल लगा। तो मैंने ये ब्लू कलर का मंगवाया, ये 50 रुपीज का एक है, मैंने 2 मंगवाए हैं, सब आराम से ना ये दोनों मंगवाए मैंने। देन उसके बाद में ये कप मंगवाए, ये डेकोरेटिंग के लिए नहीं है, ये चाय पीने के लिए है, दूध भी हो मां। हां दूध। सो ये मैंने इसमें 2 कलर मंगवाए, एक शायद दूसरे डब्बे में होगा। ये 59 रुपीस की एक कप है, तो इसमें से एक मुझे हल्का सा यहाँ से क्रैक्ड रिसीव हुआ है, तो मैं देखूंगी अगर रिटर्न इजी होगा तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। फर्स्ट बॉक्स देख लिया, तो अब ये नेक्स्ट बॉक्स जो है इसको ओपन करते हैं। तो ये है एक और कप, तो ये मैंने ब्लू कलर के भी, एक्वा ब्लू कलर के मैंने ये 2 मंगवाए थे। ये कलर भी प्यारा है ना, येलो भी एक्चुअली बहुत ही प्रिटी, बहुत ही क्यूट सा कलर लग रहा है, बट एक थोड़ा सा छोटा आ गया, बहुत ही माइनर ब्रेकेज है, देखते हैं क्या करते हैं। ये भी अगेन वही 50 रुपीज, 59 रुपीज का एक है।
और ये है लास्ट प्लेट जो कि सबसे सुंदर लगी थी मुझे और ये अगेन कुछ अच्छा मेरे को भी ये अच्छी लगी थी अब ये कहीं अच्छी लगे हाँ डेकोरेट भी कर सकते हैं हम इसको और इसको फोटो जैसे भी लटका सकते हैं हाँ यार टिम बात तो बिल्कुल सही बोले आपने लेकिन इसको मैंने बेसिकली सर्विंग के लिए ही मंगवाया है तो अच्छी लगी थी मुझे थोड़ी सी जो होम सेंटर की शॉपिंग थी वो आप लोगों के साथ में शेयर की सो एक और छोटा सा हॉल शेयर करना चाहूंगी आपके साथ में मुझे पर्पल ने कुछ चीजें भेजी है जो की अभी हाल फिलहाल बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये जो COVID-19 वाला जो टाइम है उस वक्त तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जैसे कि अभी हमें सैनिटाइजर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं हम बार बार हैंड वॉश कर रहे हैं तो हैंड वॉश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है सो क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं अभी न्यूली लॉन्च हुई है पर्पल पे तो मुझे ये एक हैंड वॉश रिसीव हुआ है जो कि हम लोगों ने यूज करना भी स्टार्ट कर दिया अगर आप देखेंगे तो इसका पंप ओपन है सो ये है एलोवेरा हैंड वॉश बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी बहुत अफोर्डेबल रेंज में है एंड ओवरऑल बहुत ही अच्छा है नो पैराबेन नो सल्फेट वाला हैंड वॉश है ये देन इसके बाद में गुड वाइब्स के मुझे ये हैंड सैनिटाइजर्स रिसीव हुए हैं इसमें 70% अल्कोहल है और ये 99.9% जर्म्स को किल करता है तो इसकी एक बड़ी बॉटल रिसीव हुई है हैंड सैनिटाइजर की और ये दो छोटी छोटी आप अपने हैंड बैग में लेके आराम से कैरी कर सकते हैं ये रिसीव हुआ है एंड इसके अलावा ये मुझे दो स्प्रे सैनिटाइजर्स रिसीव हुए हैं जो कि टॉयलेट सीट को सैनिटाइज करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं स्पेशली अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सिर्फ COVID-19 के लिए नहीं हमेशा आपको आपके बैग में एक तो ऐसा टॉयलेट सैनिटाइजिंग स्प्रे रखना ही चाहिए तो मेरे पास में दो है एक लेमन और एक ऑरेंज सो ये कुछ बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगी जो कि मुझे लगा मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए तो आप देख लीजिएगा मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर अभी सेल चल रही होगी तो भी आप लिंक चेक कर सकते हैं चलिए अब मैंने ये जो कचरा है ना ये सब ठीक करती हूँ मतलब क्लीन करती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपको
So I'm so sorry मैंने आपको ये अपना sweaty face दिखाया just to motivate few people, मतलब जो थोड़े से लोग लोगों को motivation मिल रही है मेरे video से, उनके लिए मैंने ये जो अपना sweaty face था वो आपको दिखाया. Actually अभी शाम है तो मैंने सोचा बहुत दिन से कुछ भी exercise kind of चीज की नहीं है मैंने, तो अभी मैंने थोड़ा सा मतलब अराउंड 40 to 45 minutes बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक की. मैं मोस्टली यूट्यूब पर वीडियो देख करके ही करती हूँ क्योंकि अभी कहीं बाहर जाना नहीं है. तो मैं लिंक इस बार पक्का नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी जो मैं मोस्टली घर पर जब भी वॉक करती हूँ तो वो देख कर भी करती हूँ, तो पक्का आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अक्सर मैं बोलती हूँ कि मैं लिंक दे दूंगी बट मैं भूल जाती हूँ लिंक देना, बट मैं दे दूंगी आपको वो लिंक जिसका वीडियो देख करके मैं जनरली घर पर वॉक करती हूँ. बस अब ये पानी फिनिश करके थोड़ी सा मेरा पसीना सूख जाए, बस उसके बाद मैं शावर लूंगी गर्म पानी से क्योंकि शाम का टाइम है तबीयत खराब हो सकती है. फिर उसके बाद में हम करेंगे डिनर. डिनर में आज मैंने सोचा है कि वो बनाओ क्या बेसन के चीले, तो देखते हैं मैं आपको दिखाऊंगी जो भी बनाऊंगी दिखाऊंगी. अभी तो फिलहाल 7 o'clock हो गए, 7 बज गए हैं, तो मतलब 7:15 हो गए इनफैक्ट, तो बस जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँ 7:30 तक, फिर जल्दी से बनाऊंगे फिर डिनर करेंगे. डिनर आज लाइट करूंगी क्योंकि मेरा बहुत हैवी लग रहा है पेट में, क्योंकि मैं जैसे कि हुआ ना बहुत दिन से कुछ वर्कआउट के नाम पर कर ही नहीं रही हूँ, तो होता है ना आपको बॉडी को एक आदत लग जाती है और फिर अचानक से वो आदत छूट जाती है तो फिर सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो मेरा पेट जो है ना वो एकदम हल्का फील नहीं हो रहा मुझे, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा कुछ बहुत लाइट खाने वाली हूँ अभी डिनर में. किचन में आ गई हूँ मैं फाइनली, और ये मेरे किचन का रोज का मतलब शाम के टाइम रात के टाइम का मोस्टली यही सीन रहता है कि हम सभी किचन में रहते हैं, और मैं बहुत ही क्विकली बना रही हूँ राइस बना रही हूँ और मिक्स वेज थोड़ी ग्रेवी वाली बना रही हूँ डिनर के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मुझे लेट हो गया थोड़ा आज, तो बस अभी चॉपिंग वॉपिंग करूंगी एंड टिम चेयर पे खड़ी है मेरी हेल्प करने के लिए. वेरी गुड, चलो ठीक है, आप क्या हेल्प करोगी? जो मैं बोलूंगी वो कर दूंगी. चलो फटाफट पहले चॉपिंग करते हैं, ठीक है?
जनरली ये खुद से खा लेती है, बट आज मैं खिला रही हूँ उसको, क्योंकि जल्दी खिलाना है, नहीं तो ये आधे घंटे से ज्यादा 40 मिनट्स लग जाएंगे उसको अपना डिनर फिनिश करने में। बट जल्दी खिलाना है, हम लोग अभी मूवी देखेंगे। चलो टमटम, वीकेंड है और आज मुझको होमवर्क भी करना है। अभी मैंने सीमा व्हाई डिड सीमा फॉर ये लिख ली थी मैं, तो खाई हूं अभी, खाई हूं उसके बाद लिखूंगी। अच्छा, खाना खा के फिर से लॉग लिख लेते हैं। तो डिनर हो गया हम सबका, किचन भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और बस अब देखते हैं कौन सी मूवी देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। मैंने कल के लिए एक्चुअली अब एक हफ्ते बाद, आपको ये लगेगा लास्ट व्लॉग में भी मैंने इडली का बैटर बनाया था, बट ये एक हफ्ते, लेकिन एक हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार तो इडली या डोसा या कुछ तो बनाती हूँ। तो पिछली बार तो मैंने उत्तपम बनाए थे, इस बार ये बैटर पीस के रख लिया है। ये कल मॉर्निंग में ही रेडी हो जाएगा, बट मैं आफ्टरनून में सोच रही हूँ इडली बनाने के लिए। तो ये बैटर पीस के रख लिया है एंड ये सब तो पूरा क्लीन हो गया है। और इधर मैंने ये थोड़ी मेहंदी घोली है, इसमें मैंने आंवला पाउडर और नॉर्मल पानी के साथ में बस इसको घोली है। ये मेरे हस्बैंड के सिर में लगाने के लिए घोली है। तो मोस्टली जिनको अगर थोड़े प्रीमेच्योर हेयर का प्रॉब्लम है, मतलब प्रीमेच्योर हेयर ग्रे हो जाते हैं, तो कलरिंग से बेटर है कि आप हेना लगाएं, मेहंदी लगाएं। तो ये नॉर्मल जो हाथ में लगाने वाली मेहंदी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी मेहंदी मैंने घोली है। सो ये मेहंदी है, ये है मेहंदी का पैकेट जो मैंने खोला है। मुझसे एक्चुअली कमेंट्स में भी पूछते हैं लोग कि आप कोई मेहंदी सजेस्ट करो हेयर के लिए। तो देखो, जो स्पेशली बालों के लिए आती है ना, जिसमें रहता है कि बाल ब्लैक हो जाते हैं इंस्टेंटली, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल होता ही है, क्योंकि मेहंदी एक बार में बाल को काला तो नहीं कर सकती। मैं लगाती, मतलब मैं इनके लिए बालों में लगाने के लिए ये मेहंदी मैं लेकर आई थी, एमपी से ही लेकर आई हूँ मैं। तो ये हाथों में लगाने वाली मेहंदी अगर आप देखेंगे तो इसमें केमिकल की उतनी ज्यादा मात्रा नहीं होती है, होती तो होगी थोड़ी बहुत, आजकल तो हर चीज में केमिकल है, बट उतनी ज्यादा नहीं होती। और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो आप मोस्टली ऐसे मेहंदी लें जिसमें जो हाथ में लगाने की हो, अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप उसमें इंडिगो पाउडर मिक्स कर लें, आप आयरन के बर्तन में उसको घोलें, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी घोली है कलर को लगाने के लिए। और एक्चुअली मुझे बहुत सारे हेयर कलर के लिए भी बहुत सारे मेल्स आते हैं हेयर कलर प्रमोशन के लिए, बट क्योंकि मेरे अभी तक के एक भी हेयर वाइट नहीं हुए हैं, पूरे ब्लैक है, इसलिए मैं मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ बालों में। तो अभी मुझे एक्चुअली कोई रिस्क नहीं लेना हेयर कलर लगा करके, इसलिए वो वीडियोज में नहीं करती हूँ। तो इसलिए हस्बैंड को भी मैंने अभी तक के वो हेयर कलर्स वगैरह ट्राई करने, हम लोग एग्री नहीं है हेयर कलर अपने ऊपर भी ट्राई करने के लिए, बिकॉज वो अगर आप एक बार लगाना स्टार्ट करते हो तो आपके बाल और ज्यादा वाइट होते हैं। तो देखते हैं अपने कब तक ब्लैक रहते हैं। मैं भी जब वाइट होना स्टार्ट होंगे, तो मैं इनिशियली तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, फिर देखेंगे बाद में कलर वगैरह जो भी है। चलिए, अभी मैं ये ब्लॉग जो है उसको यहीं पर एंड कर रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं थ्रेडिंग कल कर लूंगी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही बुरा दिख रहा है फेस। मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर करूँ आपके साथ में, बिकॉज मैं इस बार वैक्स से करने वाली हूँ, जो नॉर्मल वैक्स होता है ना हाथ पाँव जिससे वैक्स करते हैं, उससे करने वाली हूँ। वो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, हमेशा वो ना करें, वो हमेशा वो यूज ना करें, बट क्योंकि अभी कुछ दिनों की बात है, सो आई थॉट कि उससे कर लेंगे। चलिए ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तो हम लोग अभी लूडो खेलने वाले हैं, फिर उसके बाद में मूवी देखेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, वीडियो लाइक कर देना। ओके okay.